Hello class, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. Today we are going to revise our fifth chapter, that is with the name गोलू grows a nose. कि गोलू को कैसे एक नाक बढ़ती है, गोलू की नाक कैसे बढ़ती है. तो चलिए, ये एक तरीके की फेबल है. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फेबल क्या होती है. फेबल उन स्टोरीज में होती हैं जिनमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं. तो एनिमल कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टोरीज होती हैं जिसमें एनिमल्स बात करते हैं उस स्टोरी को हम फेबल कहते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं हमारी स्टोरीज की कि एक टाइम था जब एलिफेंट्स की सूंड नहीं होती थी, दे हैड नो ट्रंक. उस टाइम पर गोलू नाम का एक एलिफेंट था जिसकी बहुत मोटी सी नाक थी. तो वो भी वैसा ही एलिफेंट था, उसकी भी नाक लंबी नहीं थी, उसकी सूंड नहीं थी. वो हमेशा लोगों को परेशान करता था उनसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछ के. कभी किसी से कुछ पूछता, कभी जैसे ये हवा ऐसे क्यों चलती है, ये सूरज यहाँ से क्यों उगता है. तो इन सारे क्वेश्चन से ना सब दुखी हो जाते थे. सो उस टाइम पर जो बेबी एलिफेंट है गोलू नाम का, उसकी ट्रंक नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है. जैसे वो ऑस्ट्रिच से पूछता है कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ सकती. फिर जिराफ से कहता है आपकी स्किन पे इतने सारे धब्बे क्यों हैं. फिर कभी हिप्पोपोटामस मतलब गैंडे से कहता है कि तुम्हारी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं. अपने अंकल एक बबून से पूछता है कि तरबूज का टेस्ट तरबूज जैसा, जैसे अनार का टेस्ट अनार जैसा क्यों होता है. अब टेस्ट ऐसा क्यों होता है, इसका कोई आंसर थोड़ी ना है. उसके सारे क्वेश्चंस को सुनकर सब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे और कहते थे कि वो एक बहुत ही शरारती बच्चा है, बहुत ही शरारती एलिफेंट है, क्योंकि वो बहुत सारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस पूछता है. अब मुझसे पूछे कि आप लड़की क्यों हो, तो अरे इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ऐसे ही एक दिन गोलू ने मैना पक्षी से पूछा, उनसे जाकर वो पूछता है कि क्रोकोडाइल खाने में क्या खाते हैं. तो मैना पक्षी बहुत समझदार, उसने कहा कि खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेते. तो उसी टाइम वो चल पड़ा लिम्पोपो रिवर की साइड. लिम्पोपो एक रिवर का नाम है जहाँ पर क्रोकोडाइल्स और दूसरे वाटर एनिमल्स रहते हैं. तो वो कहता है अपने फैमिली वालों के पास जाके कि मैं लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूँ अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए. बहुत सारा सामान जैसे कई सौ गिन्ने लेकर, कम से कम 50 दर्जन बनानास लेकर और 25 मेलन्स लेकर वो निकल पड़ता है अब अपनी फैमिली को बाय करके. और क्या कहता है कि जब तक आंसर नहीं मिल जाएगा मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं ये ढूंढ कर ये पता लगा के रहूँगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं. अब क्रोकोडाइल उसने नाम तो सुना था लेकिन ये नहीं जानता था कि क्रोकोडाइल दिखते कैसे हैं, और उसने आज तक इससे पहले क्रोकोडाइल को कभी देखा ही नहीं था. उस टाइम पर रास्ते में वो एक अजगर से मिलता है जब वो अपने घर से अपने जंगल से निकलता है. तो वो पाइथन से या उस अजगर से पूछता है कि क्या तुमने क्रोकोडाइल को कभी देखा है, कैसा दिखाई देता है, कैसी बातें करता है, खाने में क्या खाता है. तो पाइथन ने मतलब पाइथन का सर चकरा गया, इतना चकरा गया कि वो पेड़ पर कॉइल करके बैठा हुआ था, कुंडली मारकर बैठा था, वो नीचे गिर गया. फिर गोलू ने किसी तरीके से उसे हेल्प की वापस पेड़ पर चढ़ने में. और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर पाइथन अंकल अगर आप नहीं जानते तो मैं किसी और से पूछ लूँगा. और इतना कहकर वो वहाँ से बाय करके चला जाता है. अब गोलू आगे बढ़ता है, शुगर केन्स बनाना मेलन्स ये सब खाते हुए कई दिन वो चलता है और फिर फाइनली पहुंच जाता है लिम्पोपो रिवर के किनारे पर. अब लिम्पोपो रिवर के किनारे पर पहुंचकर वो लकड़ी का एक मतलब एक गट्ठर सा देखता है, लकड़ी का टुकड़ा देखता है रखा हुआ. उसे नहीं पता था क्रोकोडाइल कैसे दिखते हैं, तो अब उसे नहीं पता, उसने सोचा कि ये लकड़ी है. लेकिन जब वो लकड़ी हिली तो पहली बार उसने क्रोकोडाइल को देखा, और वो बेचारा इतना भोला इतना शरीफ सा, उसने क्रोकोडाइल से ही पूछा कि क्या आपने कभी मगरमच्छ देखा है. क्रोकोडाइल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया. क्रोकोडाइल बोला कि मतलब सोचने लगा कि ऐसा कैसा हाथी है, मुझसे ही पूछ रहा है कि क्या मुझे ही देखा है मैंने कभी.
फिर भी वो धीरे धीरे बाहर निकल के कहता है कि क्यों तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। तो वो कहता है नहीं वो ना मुझे ना क्रोकोडाइल से कुछ पूछना था। अब क्रोकोडाइल इतना शातिर इतना ज़्यादा स्मार्ट एनिमल उस टाइम पर वो कहता है कि तुम थोड़ा पास आओ थोड़ा आगे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्रोकोडाइल से क्या क्वेश्चन पूछने हैं क्योंकि मैं खुद एक क्रोकोडाइल हूँ। अब गोलू थोड़ा सा डर तो गया क्योंकि जिस तरीके से क्रोकोडाइल हरकतें करके दिखा रहा था उस टाइम पर उसे थोड़ा सा डर महसूस हुआ। लेकिन फिर भी डरता डराता थोड़ी सी हिम्मत रखता हुआ वो जाता है थोड़ा आगे बढ़ता है और कितनी देर में जैसे ही वो आगे बढ़ता है क्रोकोडाइल के मुंह के पास आता है कि क्या पता क्रोकोडाइल मुझे कुछ बताए कुछ बोले। और जो क्रोकोडाइल होता है अपने मुंह से उसकी नाक को पकड़ लेता है बहुत जोर से बहुत कस के। वो इतना ज़्यादा रोता है क्रोकोडाइल हंसता है कहता है कि आज तो मैं अपने खाने में एक छोटा एलिफेंट खाने वाला हूँ। लेकिन गोलू चिल्लाता है गोलू इतना ज़्यादा रोता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो आप मुझे परेशान कर रहे हो मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब पाइथन जो कि गोलू का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे लगा था क्रोकोडाइल कुछ गलत हरकत करेगा तो अब वो किनारे पर जाता है और कहता है कि जितना हो सके जितनी कोशिश कर सको उतनी जान लगाना बाहर पीछे की तरफ खींचने की क्योंकि अगर पानी में क्रोकोडाइल तुम्हें ले जाएगा तो फिर वो तुम्हें खा जाएगा। सो अब गोलू पूरी कोशिश कर रहा है पीछे की तरफ खींचने की वो बस खुद को पीछे खींचता जा रहा है पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन क्रोकोडाइल ने भी पूरी जान लगा रखी है क्योंकि पानी के अंदर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो गोलू को अपनी तरफ खींचे उसे खा सके। जो पाइथन है अब उसने भी जान लगानी शुरू कर दी उसने क्रोकोडाइल को पकड़ा और उसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। अब गोलू के सारे पैर मिट्टी में फंस चुके हैं लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी है। अब जितना वो पीछे होता जा रहा है और क्रोकोडाइल अपनी तरफ जान लगाता जा रहा है तो गोलू की नाक अब खिंचती जा रही है। जितना ज़्यादा वो पीछे होता जा रहा है उतनी ज़्यादा गोलू की नाक खिंचती जा रही है और गोलू को बहुत दर्द भी हो रहा है। अब जब फाइनली क्रोकोडाइल ने गोलू को छोड़ दिया उसने गोलू ने हिम्मत नहीं छोड़ी क्रोकोडाइल को फाइनली हार माननी पड़ी। अब गोलू को जब उसने छोड़ दिया तो गोलू की नाक हो गई है 5 फीट लंबी और 5 फीट लंबी होने की वजह से चलो उसको इस चीज़ की तसल्ली है कि मुझे फ्री तो कर दिया खाया तो नहीं भले ही नाक लंबी हो गई हो। अब गोलू बैठ गया उसने अपनी नाक को एक केले के पत्ते से रैप कर लिया उसने सोचा थोड़ी ठंडक मिलेगी। फाइनली वो नदी के किनारे बैठा रहा कि थोड़ी ठंडक मिलेगी थोड़ा अच्छा फील होगा। कई दिन तक पूरे 2 दिन तक वो कोशिश करता रहा कि थोड़ी नाक ठीक ठंडी हो जाएगी ठीक हो जाएगी तो सिकुड़ जाएगी। ठंडी तो हो गई दर्द भी कम हो गया दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया लेकिन नाक नहीं छोटी हुई। अब जब दूसरा दिन ख़त्म होने लगा तो गोलू के नाक पर आकर एक मधुमक्खी बैठ गई और उसने गोलू को उड़कर उसे कंधे पर काटने की कोशिश की लेकिन गोलू ने अपनी लंबी सी नाक को जिसे अब हम ट्रंक मतलब सूंड कहेंगे गोलू ने अपने ट्रंक को पूरी जान लगाई और उस मक्खी को मार दिया। अब पाइथन उससे कहता है कि ये तुम्हारी नाक का पहला फायदा है क्या अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो क्या तुम इसे मार सकते थे। फिर फाइनली गोलू ने अपनी सूंड को उठाया और फिर बहुत सारी मतलब सूंड की मदद से बहुत सारी घास को तोड़ा और फिर उस घास को तोड़कर उसने झाड़ना शुरू किया और खाना खाने लग गया। फिर पाइथन ने कहा कि ये तुम्हारी नाक का दूसरा फायदा है अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो क्या तुम अपनी नाक से ये काम कर सकते थे। अब गोलू ने क्योंकि गोलू बहुत ज़्यादा थका हुआ था उसे नहाना था तो अब गोलू किनारे पर जाता है और अपने सर पर मिट्टी थेपनी शुरू कर देता है अपने सर पर मिट्टी मारनी शुरू कर देता है। और तीसरा फायदा वो क्या बताता है कि अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो क्या तुम ये कर सकते थे। तो अब गोलू को समझ में आया कि लंबी नाक होने के क्या फायदे हैं और फिर वो पाइथन को थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। तो ये थी हमारी फेबल जिससे हमने सीखा कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा ढूंढना चाहिए अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना तो भी ये सोचो कि इसके अंदर भी कुछ अच्छा हो सकता है। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी के लिए इतना ही।
Thank you everyone. Have a nice day to all of you.